आज भारतीय बाजार की शुरुआत बहुत ही जोरदार हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे पॉजिटिव संकेत ने भारतीय बाजार में जोश भर दिया। मैं आपको बता दूं कि फेड चेयरपर्सन पॉवेल के एक बयान के बाद भारतीय बाजार में तेजी देखी गई। उन्होंने ये बताया कि वो कोई जल्दी में नहीं है कि वो रेट कट्स करें और वो डेटा डिपेंडेंट होगा, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी काफी पॉजिटिव संकेत की तरह लिया और भारतीय बाजार में इसका सीधा सीधा रुझान देखने को मिला। हमारी निफ्टी ने कहीं ना कहीं 80 से 100 पॉइंट की बढ़त देखने को फर्स्ट ट्रेड में ही देखने को मिल गई और उम्मीद ये है कि ये मोमेंटम जो भारतीय बाजार में है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ साथ में कि ओपनिंग एक पॉजिटिव नोट पे होने के बाद भारतीय बाजार एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया, जो कि 10,790 से 10,830 का बनता है। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि अगर भारतीय बाजार में निफ्टी में कोई माइनर डिप मिलता है तो वह बाइक की सलाह दूंगा, और जब तक 10,800 का स्तर भारतीय बाजार सस्टेन करता है हमें उम्मीद है कि भारतीय बाजार में तेजी बनी रहेगी और कोई माइनर डिप होगा वो बाई के लिए ही संकेत देगा। अगर मैं बताऊं सेक्टर की, तो आज के सत्र में जो सेक्टर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं वो है BFSI, रियलिटी, IT एंड ऑटो। वहीं जो सेक्टर में कमजोरी देखने को मिल रही है वो है फार्मा एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की। अगर मैं बात करूं तो आज जिस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है जो आज एक गेनर की तरह काम कर रहे हैं वो है टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक एंड टाइटन। वहीं मैं कमजोर शेयरों की बात करूं तो जिसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है जो कि कमजोर शुरुआत के साथ ट्रेड कर रहे हैं वह है बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी एंड इंडिया होल्स हाउसिंग फाइनेंस। अगर मैं रेंज की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, भारतीय बाजार का निफ्टी का जो रेंज बनता है वो बनता है आज और कल एक दो दिन के सत्र के लिए 10,700 से 10,900 का, और उम्मीद है कि जब तक भारतीय बाजार 10,800 के ऊपर सस्टेन करता है हमारी उम्मीद है कि ये ऊपरी दायरे को ही टच करेगा और कोई माइनर डिप मिलेगी वहां पे एक्युमुलेशन की सलाह देना।